हाय फ्रेंड्स, और वेलकम टू आवर चैनल। सो आवर फर्स्ट चैप्टर, लेट अस समराइज द फर्स्ट चैप्टर एंड सम टॉपिक्स वाज मिसिंग। सो दिस वीडियो लेक्चर लास्ट टॉपिक वाज कवर्ड, ओके, विल कवर्ड। सो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, सो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स, इनपुट आउटपुट, ओके। That error in measurement. Okay, so error, what is error? So it is defined as the measured value and the expected value of the measure parameter. Okay, difference between the measured value and the expected value. Okay, so types of error क्या है कि absolute error, gross error, systematic error, random error, limiting error. सो स्टैटिक एरर क्या है कि न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू एज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, ओके। सो इट दैट इज रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट इंडिकेशन, ओके। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? सो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मीन्स कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिलती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारी और मेजर्ड वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस होता है, उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मींस एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू वाई एन माइनस एक्स एन। वाई एन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्स एन मीन्स मेजर्ड वैल्यू, ओके। सो एरर इन मेजरमेंट, एरर हम परसेंटेज में जो दिखाना चाहते हैं तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एक्यूरेसी, सो दैट इज द सम, सॉरी स्मॉल एग्जाम्पल that the expected. So your first lecture example was very small, okay. Example है first chapter में वो small है और वो ज़्यादा पूछते नहीं है, फिर भी ये कर लेना, ठीक है, book में से। So that is the small example. So the expected value of the voltage across a resistor is 5 वोल्ट, ओके। सो हाउएवर मेजरमेंट यील्ड्स अ वैल्यू ऑफ 4.9 वोल्ट। मींस हम जो वोल्ट मीटर में हम मेजरमेंट करते हैं 4.9 वोल्ट है और रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज एक्चुअली 5 है, तो क्या हमें कैलकुलेट क्या करना है कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एक्यूरेसी फाइंड करनी है एंड परसेंटेज एक्यूरेसी फाइंड करनी है। तो इन चारों के आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, हम स्टडी कर चुके हैं। सो आप ये कर सकते हो, सॉरी, ओके। सो ये एग्जांपल है वो आप कर लेना, ठीक है। सो वेरी इजी एग्जांपल, ओके। सो एरर आपको पता ही है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, ग्रॉस एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, ओके। सो उसके एग्जाम्पल क्या है कि इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। सो मिनिमाइज कैसे करते हैं कि टेक एटलीस्ट 3 सेपरेट रीडिंग्स, ओके, एंड टेक प्रॉपर केयर इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो ये है ग्रॉस एरर। फिर क्या एरर है? सिस्टमेटिक एरर, उसमें एनवायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर है, हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सो ये एरर क्यों होती है कि ड्यू टू दी इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल इफेक्ट और ऑब्जर्वेशनल एरर्स, ओके। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? डिफेक्टिव और वन पार्ट्स एजिंग, पैरेलेक्स एरर, रॉन्ग एस्टिमेशन रीडिंग स्केल, ओके। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन, दिस ऑल आर स्टडीड, वी हैव स्टडीड, ओके। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आती है? ड्यू टू दी फ्रिक्शन इन दी बेरिंग्स ऑफ द मीटर मूवमेंट, इनकरेक्ट स्प्रिंग टेंशन, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। सो कैन इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी रिड्यूस बाय द प्रॉपर मेंटेनेंस, यूज एंड हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। एनवायरमेंटल एरर्स ड्यू टू दी एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द मेजरमेंट, ओके। एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, के एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बैरोमेट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एटसेट्रा, ओके। सो कैन इट एनवायरमेंटल एरर कैन बी अवॉइडेड बाय एयर कंडीशनिंग, हर्मियोटिकली
sealing certain components in the instrument and using magnetic shields. Okay, ऑब्जर्वेशनल एरर्स है वो एरर्स दैट इंट्रोड्यूस बाय द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की वजह से जो एरर आती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर्स. सो द टू मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशनल एरर आर प्रोबेबली द पैरेलेक्स एरर इंट्रोड्यूस इन रीडिंग अ मीटर स्केल एंड द एरर ऑफ एस्टिमेशन व्हेन ऑब्टेनिंग अ रीडिंग फ्रॉम मीटर स्केल. ओके, मीटर स्केल की, मीटर स्केल क्या है वो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, उस वजह से ऑब्जर्वेशनल एरर आ सकती है. ठीक है, रैंडम एरर्स. सो एरर्स दैट रिमेन्स आफ्टर ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रैंडम एरर. ओके, कि ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक एरर आने के बावजूद अलग एरर आती है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं. और आर जनरली द अक्यूमुलेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्ट्स. ओके, कि स्मॉल इफेक्ट वो होती है जिसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते. बराबर, मे बी अ रियल कॉन्सर्न ओनली इन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड सच एरर कैन ओनली बी एनालाइज स्टैटिकली. ओके, ड्यू टू अननोन कॉजेस. सो दैट इज ऑल्सो स्मॉल एग्जाम्पल. 300 वोल्ट वोल्ट मीटर इज स्पेसिफाइड टू बी एक्यूरेट विद इन प्लस और माइनस 2% एट फुल स्केल. ओके, सो ये एक्यूरेसी दी गई है. कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अ 120 वोल्ट. मीन्स हमें क्या करना है कि हमें लिमिटिंग एरर फाइंड करनी है. तो एरर कैसे हम ये एक्यूरेसी भी दी सकती है और हमें परसेंटेज एरर की फॉर्मूला से हम कैलकुलेट लिमिटिंग एरर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये भी एक इजी एग्जाम्पल है, यू कैन सॉल्व इट. ओके, तो वो सॉल्यूशन है वो कैसे आता है कि 2% हमारी क्या एक्यूरेसी है. मींस एक्यूरेसी क्या है कि एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस इंडिकेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू इंडिकेटेड वैल्यू इनटू 100. ओके, सो वो फॉर्मूला में से हम एरर को हम करते हैं तो वो हमें 6 वोल्ट मिलता है. ठीक है, और एट 120 वोल्ट से हम करते हैं तो इसे मिलते हैं. ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल. दैट एग्जांपल वाज आल्सो. सो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. सो व्हाट इज प्रिसीजन, द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स. ओके, प्रिसीजन इज इक्वल टू 1 माइनस xn बार डिवाइडेड बाय xn बार. Means xn is equal to the value of nth measurement and x bar means the average of the set of n measurements. Okay, so error in measurement. So statistical if we have statistical analysis of measurement data. Okay, so that is the statistical analysis of the measurement data. So that is the important because it allows an analytic determination of the uncertainty of the final result. Okay, so a large number of measurements is usually required. Okay, and k will be divided into 4. That is error statistical analysis of measurement data is divided into 4, means arithmetic mean or average, deviation, average deviation and standard deviation. Okay, we will discuss one by one. So arithmetic mean or average, so the most probable value of measured variable is the summation of all the average summation of the, means algebraic summation of the whole reading, means n is equal to total number of reading, xn is equal to nth reading taken and xi is equal to set of number. Okay, so that is the formula for arithmetic mean or average error. Okay, second is deviation. So what is deviation? So difference between each piece of data and arithmetic mean, means deviation dn is equal to xn minus x complement. So d1 is equal to x1 minus x bar, d2 is equal to x2 minus dx bar. Okay, so algebraic sum of deviation was what, d total is equal to d1 plus d2. So after using that two equation you can find the deviation. Okay, so what is deviation, you
I hope you will understand the difference between each piece of data and arithmetic means, that called as deviation. Okay, average deviation. So what is average deviation? So precision of measured instrument, ID means high deviation means low precision, and low deviation means high precision. Okay, so if we do the average of deviation, then average deviation take place. Okay, standard deviation. So what is standard deviation? So standard deviation also known as root mean square of the deviation. Okay, हम डेविएशन का रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिडक्शन मीन्स इंप्रूवमेंट इन मेजरमेंट. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्ट होता है, उसका मतलब क्या है कि मेजरमेंट में इंप्रूवमेंट आता है. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स. ओके, लास्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर. ओके, सो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड क्या क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.